तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपाकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे हैं श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जया मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ओम शांति शांति शांति। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय गोपाल। आइए सत्संग प्रेमी जनों, मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, श्रीमद् भागवत गीता सत्संग समारोह आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है आपका। आप भाग्यशाली हैं जो भागवत गीता के इस सत्संग में सलीक होते हैं, शामिल होते हैं। तो आज के सत्संग में उन्हीं बातों को पुनः जोड़ना चाहते हैं जो पिछले सत्संग में की थी, और आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हुए कह रहे हैं कि चार प्रकार के भक्त मेरी शरण में आते हैं। कौन कौन से? एक तो जो कोई दुखी होते हैं, किसी भी रूप से दुखी हो, किसी का कोई मर गया, किसी को तकलीफ हो गई, टांग टूट गई, एक्सीडेंट हो गया, घर जल गया, चोरी हो गई, दुनिया ने सताए हैं, दुश्मन सर पर चढ़ाए हैं, कोई भय पैदा हो गया, कोई भूत प्रेत लिपट गए, ये दुखी किसी भी रूप से, इनको आरती भक्त कहा। उतारने वाली आरती नहीं, थाल में रख के नहीं, वो आरती है, ये आरती है। इसमें आधा रर्रा है, उसमें पूरा रर्रा। गीता पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। भगवान कह रहे हैं कि ये
ये आरती दुखी लोग मेरी शरण में आते हैं, ये भी मेरे भक्त हैं। चार प्रकार के भक्तों में ये भी मेरे भक्त हैं। दूसरे नंबर पर कहा कि अर्थार्थी, जिनको पैसा, वैभव, संपदा, पद, प्रतिष्ठा चाहिए संसार में, सुख आनंद, भोग विलास, मनोकामनाएं पूर्ण हो, हैं? बाबा बम भोलेनाथ, मन की कामना पूर्ण करो, ऐसे भक्त भी शरण में आते हैं। किसी को पुत्र नहीं है, मुझे पुत्र दे दो। किसी को पुत्री नहीं है, मुझे पुत्री दे दो। किसी के पास रहने को जगह नहीं है, घर नहीं है, हे भगवान मेरा रहने का ठिकाना बना दो। किसी के पास जॉब नहीं है, किसी के पास है लेकिन कम पड़ रहा है। अब कम किसको नहीं पड़े, सबको तो कम पड़ता है। यशोदा माँ भगवान श्री कृष्ण को रस्सी से बांध देना चाहती थी, एक दिन बांध ही दिया था, उनका नाम ही दामोदर पड़ गया उसी समय उसी लीला से। किस्सा यह हुआ कि मैया यशोदा काम काज करती है लेकिन कृष्ण भगवान नटखट हैं, छोटे हैं, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ तोड़ फोड़ डालते हैं, मैया को काम नहीं करने देते। एक दिन माँ यशोदा गोदी में कन्हैया को दूध पिला रही थी और अपनी दूसरे हाथ की उंगलियों से, सीधे हाथ की उंगलियों से भगवान के केसों में, माथे के बालों में हाथ देकर दुलार रही थी। लेकिन अचानक उनको याद आ गया कि मेरा दूध मैंने अग्नि पर रखा हुआ है, वो उफन जाएगा, उफन गया होगा, निकल जाएगा, उबल गया तो बाहर निकल जाएगा। वो एकदम से कन्हैया को नीचे जमीन में पटक के और दूध की तरफ भागी। कन्हैया को बड़ा दुख हो गया, नाराज हो गए। नाराज हो गए तो उन्होंने पास में एक लोडी, चकला लोडी जो होते हैं, लोडी पड़ी थी, लोडी पत्थर उठा करके, और जो भगवान मैया यशोदा दही मंथन करती थी बड़े मटके में, बिलौने में, उसको मार के खींच के मारा, खील खील हो गए, टुकड़े हो गए। जब माँ यशोदा लौट के आई दूध को संभाल के तो देखा कि इसने तो नटखट ने मेरा ये बिलौना तोड़ डाला। तो माँ यशोदा ने कहा तू बड़ा नटखट है, मुझे कुछ भी नहीं करने देता, अब ये बिलौना भी तोड़ डाला, ठहर मैं अभी तुझे बांध देती हूं, तुझे बांधूंगी तभी तुझे कुछ सबक मिलेगा, शिक्षा मिलेगी। मैया यशोदा ने एक रस्सी पड़ी थी तो रस्सी के टुकड़े से बांधने की कोशिश की मूसड़ से, जो मूसड़ होता है धान कूटने का, अन्न कूटने का, पुराने जमाने में मूसड़ होते थे लकड़ी के बने हुए, उनसे चावल गेहूं जो भी कूटना हो, तो उससे बांध दिया मैया यशोदा ने। छोटे थे, बालक थे, इतना बड़ा मूसड़ ले कहां जाएगा आदमी, 5,000 वर्ष पुरानी बात है, बड़े मूसड़ होते थे, ओखल से बांध दिया, ओखल मूसड़ जो होते हैं तो ओखल से बांध दिया, मूसड़ उसके अंदर रखा है तो पूरा वजन है, ओखल पत्थर की है, मूसड़ लकड़ी का है, तो ओखल से बांध दिया तो अभी कहां जाएगा। लेकिन बंधे जब तो पहले वो रस्सी ओछी पड़ गई, दो अंगुल ओछी पड़ गई, तो मैया यशोदा ने एक दूसरी रस्सी का टुकड़ा फिर जोड़ा, जोड़ के फिर बांधने लगी तो फिर दो अंगुल छोटी पड़ गई। आखिर कुएं में से जो पानी खींचते हैं वो बड़ी रस्सी लाई, उससे बांधने की कोशिश की तो वो भी तो दो अंगुल छोटी पड़ गई, कृष्ण बंधने में नहीं आ रहे। मैया बड़ी परेशान हो गई,
फिर जाके इधर उधर और देखती है, कोई गऊ की रस्सी पड़ी हो गले वाली, उसको भी जोड़ती है, वो भी दो अंगुल, फिर भी दो अंगुल ही ओछी पड़ जाती है। आखिर भगवान मुस्कुराए और ये जाना कि मैया बहुत परेशान हो गई है, पसीना पसीना हो रही है, बड़ी परेशान हो रही है, रस्सी बार बार दो अंगुल छोटी पड़ी जाने वाली है, जो भगवान लीला करना चाहे वो क्यों नहीं होगी। आखिर भगवान ने बंधना स्वीकार कर लिया और एक टुकड़ा जब और जोड़ा तो भगवान आसानी से बंध गए। ये तो भगवान की लीला है, लेकिन मुझे याद आई ये लीला क्योंकि इस संसार में सभी की रस्सी छोटी पड़ जाती है, कितनी भी बड़ी रस्सी दे दो फिर भी वो दो अंगुल छोटी है। ये हर एक के साथ ये जिंदगी में चलता रहता है। तो जिसके पास लाखों हैं उनको करोड़ भी दे दो तो फिर भी कम पड़ जाते हैं, जिसके पास 50 मिलियन है वो बोलते हैं 1 बिलियन कैसे बनी है, किसी के पास $20 है तो बोलता है ये $100 बन जाए तो कितनी अच्छी बात है, वो उसके लिए प्रयास करता है। सबकी रस्सी छोटी पड़ी हुई है, इसी का नाम संसार है। और रस्सी पूरी पड़ती नहीं, वो तो भगवान की कृपा हो तभी पूरी हो सकती है, तो लोग भगवान की ओर आते हैं। आपके जीवन में, सबके जीवन में ऐसा चलता है, जो आप करना चाहते हैं वो कुछ अधूरे में ही रह जाता है। यहां तक कि कोई वस्तु को आप लपकना चाहते हैं वो दो अंगुल दूर रह जाती है, छूट छूट जाती है। फिर कोई और यत्न करते हैं, एक वस्तु पकड़ में आ गई तो फिर दूसरे को पकड़ना चाहते हैं वो भी दो अंगुल दूर पड़ जाती है। ऐसे ही है। अर्थार्थी हैं ये भी, भक्त हैं भगवान के, लेकिन भगवान के पास आते तो कुछ मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि मुझे बच्चा चाहिए, जॉब चाहिए, घर चाहिए, धन चाहिए, सीट चाहिए, वोट चाहिए। सुनील दत्त को जब इलेक्शन में खड़ा होते थे, दो बार मैंने देखा, दो तीन बार, तो जुहू एरिए में से उनको वोट लेने होते थे, पाली से जुहू एरिए बॉम्बे में। तो जुहू में राधा रास बिहारी जी का मंदिर में सेवा करता था वहां, तो बड़े उनके साथ भीड़ भी होती थी और भगवान के दर्शन को अंदर आते थे मंदिर में, गुरु जी को प्रणाम करते थे, भगवान को प्रणाम करते थे, नीचे मुंड टेक करके, सर टेक करके। जब वो जीत गए, जीत जाने के बाद में वो जो भी पीरियड 5 साल का होता है वो कभी एक दिन भी नहीं देखे, आए नहीं, कभी आते नहीं। तो जब ये मिल जाता है आदमी को तो फिर आता बंद हो जाता है, लेकिन ये भी भक्त में काउंट होता है। वस्तु नहीं मिलती है, नहीं है पास में तो मांगने आते हैं, जब मिल जाती है तो आते भी बंद हो जाते हैं। ऐसे दुखी लोग हैं, आरती लोग हैं, दुख होता है तो आते हैं मंदिर में और जब दुख खत्म हो जाता है तो आते बंद हो जाते हैं, भजन करते बंद हो जाते हैं, फिर दूर हट जाते हैं। लेकिन भगवान ने कहा कि आखिर ये भी मेरे भक्त हैं, मेरी शरण में आए, मेरे चरणों में प्रणाम किया, झुके, फल फ्रूट चढ़ाए, दुख तकलीफ दूर करने के लिए गिड़गिड़ाए, दूसरे वाले कुछ वैभव संपत्ति संतान मांगने के लिए आए वो भी गिड़गिड़ाए, जो उनको मिल गई वो भी चले गए या कभी कभी आ जाते हैं। एक और भक्त होते हैं जिनको जिज्ञासु भक्त कहा है, जिनके हृदय में जिज्ञासा जगती है भगवान को जानने की, अपने आप को जानने की। उनको वैभव तो नहीं चाहिए, दुखी भी नहीं है, लेकिन जिज्ञासा है हृदय के अंदर कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, ये मनुष्य जन्म क्या है,
संत लोग बोलते हैं 84 लाख योनियों में होके आ रहे हो, ये सब क्या है? ये आत्मा अजर अमर है, मैं जानना चाहता हूं कि मैं कैसे अजर अमर हूं, ये शरीर किन तत्वों से बना है, कौन इसको बनाता है, कौन मेरा पिता है, कौन मेरी माता है, कौन मेरा दाता है, और ये अनंत को कौन चला रहा है, किसकी चाकी चल रही है जिसके दोनों पार्टों में सारा संसार पिसा जा रहा है, और कौन बच जाता है, कैसे बच जाता है, ये सब जानना चाहता है। जिज्ञासा उसके हृदय में जागृत होती है और संतों के संपर्क में आता है, भक्तों के संपर्क में आता है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाने लगता है कुछ जानने के लिए। जिज्ञासा पैदा हुई, ये जिज्ञासु भक्त है, भगवान कहते हैं ये मेरा भक्त है, इसके ऊपर मेरी कृपा जरूर बरसती है और इसको किसी मेरे शुद्ध भक्त से मिला देता हूं, वो इसको इसका कल्याण करता है, इसको भजन में भक्ति भाव में डालता है, सेवा में लगाता है, पवित्र बनाता है, मुझसे मिलाने की चेष्टा करता है, ऐसे मेरे भक्त में, भक्त के संपर्क में इसको पहुंचा देता हूं। चौथे नंबर के भक्त हैं ज्ञानी, ज्ञानी भक्त, ज्ञानी भक्त जिन्होंने भगवान को जान लिया है। जानना और मानना दो शब्द हैं, अधिकतर लोग भगवान को मानते हैं, वो चार प्रकार के जो भगवान की शरण में नहीं आते उनको छोड़ करके, जो भगवान की शरण में आते हैं आरती अर्थार्थी, ये अधिकतर लोग भगवान को मानते हैं कि भगवान है, लेकिन जानते नहीं। सुन लिया है इन्होंने किसी महात्मा के मुख से, कोई शास्त्र में पढ़ लिया है, या माता पिता उन्हें समझाया कि बेटा भगवान है, वो बाल मुकुंद श्याम सुंदर हैं, राम हैं, विष्णु हैं, गणपति हैं, वाहे गुरु जी हैं, अल्लाह है, जीसस है, फिर आने वाले हैं। माता पिताओं से सुन लिया है, कोई पोप पादरियों से सुन लिया है, कोई पंडित जी के मुंह से सुन लिया है, कोई संत महात्मा की कथा में सुन लिया है, मानते हैं कि भगवान है, लेकिन अभी ज्ञान नहीं, जाना नहीं उनको। जो जान लेता है व्यक्ति उसको ज्ञानी भक्त कहते हैं, जो तत्व से भगवान को जानता है, ये प्रथम श्रेणी का श्रेष्ठ भक्त है भगवान का। दूसरी श्रेणी पे जिज्ञासु भक्त है भगवान का, तीसरे दर्जे का भक्त है, तीसरी श्रेणी पे है ये अर्थार्थी है, और चौथे नंबर पर जो है फोर्थ ग्रेड, ये आरती दुखी है। दुख है जब तक तो भगवान के संपर्क में आता है, प्रार्थना करता है, गिड़गिड़ाता है, दुख खत्म हो जाता है तो फिर भूल जाता है, फिर दुख आता तो फिर आता है, फिर सुख आता तो भूल जाता है, ऐसे ही अर्थार्थी है। उल्लू सीधा हुआ और भूलने लगता है भगवान को, फिर ऐश आराम करने लगता है, अर्थ आया बस फिर क्या है, अर्थ नहीं था, जॉब नहीं था तो भगवान के सामने गिड़गिड़ाता था, अब जॉब लग गया अभी ऐश आराम करो, फिर कहां आता है। फिर हम पूछते हैं कि क्या बात है 15-20 दिन से दिखाई नहीं दिए।